हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से अपनी इस क्लास में पार्ट नंबर टू, लेसन नंबर टू, जो कि साइंस से है, एसिड बेस और साल्ट। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर वन जो डाला था अपने YouTube चैनल पर, उसमें हमने एसिड बेस और साल्ट से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पिछली कक्षा के अंदर पढ़ाए थे, और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की जो कि एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड है। और जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड्स की, कि एसिड्स होते क्या है, कि दो सब्सटेंस विच गिव एच आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में एच आयन प्रोड्यूस करते हैं, या ये कहे कि वे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एच आयन्स प्रोड्यूस करेंगे उनको हम एसिड्स कहेंगे। और एसिड्स का हमने जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराए थे तो उसके अंदर ये बताया था कि एसिड टर्न इनटू ब्लू लिटमस टू रेड, कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। देखिए, एसिड्स दो तरह के होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा आपका जो है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और नंबर ऑफ एच आयंस आर मोर प्रोड्यूस। एंड जो वीक एसिड्स होते हैं वे आपकी, यदि हम बात करें तो वे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते और इसलिए हम उनको वीक एसिड्स बोलते हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की यदि हम बात करें तो HCl, H2SO4 और HNO3। HCl का मीनिंग जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 जो है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 जो है वो आपका नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड मैंने आपको तीनों के तीन बताए हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड या टार्ट्रिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, ये हमारे वीक एसिड्स है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। और एसिड्स की मैंने एक प्रॉपर्टी भी आपको लास्ट टाइम बताई थी, लास्ट क्लास के अंदर बताई थी, कि एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देती है। पॉइंट नंबर वन, यानी कि डेफिनेशन नंबर वन आपको मेरे हिसाब से क्लैरिफाई होगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। अभी हमने एसिड्स के अंदर ही बताया था कि वे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर एंड गिव मोर नंबर ऑफ एच आयन, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में एच आयन प्रोड्यूस करते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। और वीक एसिड की बात करें, यानी कि दोज एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, हम उन्हें वीक एसिड्स कहते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, वे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड और टार्ट्रिक एसिड की यदि हम बात करें वे हमारे वीक एसिड्स है। अब हम बात करते हैं बेस की। पॉइंट नंबर, यानी कि डेफिनेशन नंबर फोर में बेस के बारे में बात की है, कि दो सब्सटेंस विच गिव OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH आयन्स देंगे उन्हें हम बेस कहेंगे। और बेस की मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, बेस जो होते हैं वो ब्लू लिटमस में चेंज हो जाते हैं, यानी कि रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में वे चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। अब डेफिनेशन नंबर फाइव, ये कह रहा है एल्कलीज क्या होती है। एल्कलीज दोज बेस, वे बेस जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज बोल देते हैं, यानी कि दोज बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की और स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बेस की और वीक बेस की हम बात करेंगे. स्ट्रॉन्ग बेस दोज बेस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर एंड गिव मोर नंबर ऑफ ओ एच आयन. जैसे हमने एसिड की डेफिनेशन की थी, वहाँ पे एच आयन मोर नंबर में प्रेजेंट होते हैं यानी कि डिसोसिएट हो जाते हैं. इसी तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में ओ एच आयन्स जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे. वीक बेस की यदि हम बात करें, दोज बेस विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव लेस नंबर ऑफ एच ओ एच आयन. जो लेस अमाउंट में ओ एच आयन प्रोड्यूस करते हैं हम उन्हें वीक बेस कहते हैं. अब यहाँ पे जब हमने बात लास्ट क्लास में आपको पढ़ाते वक्त समझाया था कि एसिड को वाटर के अंदर मिलाना चाहिए, नेवर वाटर इनटू एसिड, ये मैंने आपको बात बताई थी. तो वहाँ पे वो जो हम ऐड करते हैं वाटर या वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस जो होता है वो होता है डाइल्यूशन, जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं. तो यहाँ पे आता है डेफिनेशन नंबर 8 में कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं. ए सैंपल ऑफ एन एसिड विच कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर कम अमाउंट वाटर की होती है उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं, क्योंकि डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनके अंदर वाटर की अमाउंट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. इसके बाद पॉइंट नंबर 9 डाइल्यूटेड एसिड की बात आ गई. डाइल्यूट एसिड की बात आ गई वो हमने बता दी कि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है. अब एसिड्स को हम ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली भी डिफाइन करते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, जो एनिमल और प्लांट से हम लेते हैं और उनसे हम एसिड गेन करती है उन्हें हम ऑर्गेनिक बोलती है. और जो हम मिनरल्स से ऑब्टेन करते हैं हम उन्हें इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हुई कि दोज एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और वे एसिड जो हम केवल मिनरल्स एंड रॉक्स से लेते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं. एंटा एसिड्स की बात हमने की थी, एंट एसिड की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्सों से रिलेटेड हमने मोस्टली डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है. एंट एसिड्स क्या होते हैं कि वे सब्सटेंस यानी कि दो सब्सटेंस विच आर यूज फॉर न्यूट्रलाइज एसिड, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. वहाँ पर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो बात कर रहे थे हम वो क्या करता है उस एसिड को जो पेट के अंदर एसिडिटी बन जाती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि वो वीक बेस होता है. तो यहाँ पे एंटा एसिड क्या होता है, वे सब्सटेंस जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उन्हें हम एंटा एसिड बोलते हैं. आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन होती है. और आयंस की फॉर्मेशन किसके अंदर होगी, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. दोज प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्मेशन होगी उनको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोलेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखिए मोस्टली हमने लास्ट क्लास में कर ही लिए थे, लेकिन वहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस कीज के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर इनको पढ़ा था, और अब हम इनको डेफिनेशंस की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम इनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो साल्ट और वाटर बना देता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. साल्ट की बात करते हैं, देखिए एसिड बेस एंड साल्ट, पूरे लेसन में एसिड और बेस है और साल्ट छोटा सा एक टॉपिक है. तो ए सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस, जब एसिड की बेस के साथ, या बेस क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं बेस को. और एसिड की बेस के साथ जब रिएक्शन होती है तो उसके रिजल्ट के दौरान
उसमें साल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो साल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंडिकेटर्स हमने वहाँ पे पढ़े थे, दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और एक आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स होते क्या है, दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में, क्योंकि हमें एसिड और बेस का पता नहीं चलता, यदि हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए कि कैसे हमें, कैसे हम टेस्ट करेंगे एसिड और बेस का। तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाता है उस सॉल्यूशन का, तो तब हम पता करते हैं कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। इंडिकेटर्स के अंदर सबसे पहले हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कलर्स, ये मिक्सचर होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कलर्स का, विच सो डिफरेंट कलर विद सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट पीएच वैल्यू, जिसकी अलग अलग पीएच वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। एक कागज की तरह ही होता है। इसके बाद ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात की थी, ओनियन और क्लव, इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था कि दोज इंडिकेटर विच चेंज देयर ओडोर, जो उसकी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज कर देते हैं उन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। और पीएच स्केल की बात की होगी, स्केल यूज फॉर मेजरिंग एच आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, कि एच आयन कंसंट्रेशन जो हम शेयर करते हैं, यानी कि एच आयन कंसंट्रेशन हम बच्चों को बताते हैं, तो वो पीएच स्केल के अनुसार ही बताते हैं कि पीएच स्केल में यदि पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, लेस देन 7 होगा तो वो बेस एसिड होगा, और मोर देन 7 होगा तो उसको हम बेस बोलेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो दो ही होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, और जो कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके बाद वाटर और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच आर केमिकली यूनाइटेड विद अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। देखिए ये कह रहे हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकली यूनाइटेड यानी कि एक होते हैं, उन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद लास्ट हमारी डेफिनेशन है ब्राइन, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड के अंदर, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब वाटर के अंदर पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। और इसके बाद एक नेक्स्ट पेज पे हमने कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताने, तो वो लिख रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। और जिप, सेकेंड जो फॉर्मूला वो है आपका जिप्सम। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है वाटर का। ब्लीचिंग पाउडर का जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। कॉमन साल्ट का तो सभी को पता ही होता है NaCl। बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये दोनों यदि हम इनकी बात करें, बेकिंग सोडे की और वॉशिंग सोडे की, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला हमें याद रहता है लेकिन हम ये नहीं बता पाते कि बेकिंग कौन सा है और वॉशिंग कौन सा है। तो जिसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो ये मान लो धोने के काम आता है, वाटर जो होता है साफ करने के काम आता है, क्लीन करने के काम आता है, तो इसलिए वो वॉशिंग सोडा है। और कास्टिक सोडे की यदि हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम का है कास्टिक सोडा। देखिए इस क्लास के अंदर हमने जो लास्ट क्लास में जितने भी पॉइंट्स कराए थे उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे डेफिनेशंस आपको बताई। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जो हमसे पॉइंट्स रह गया है, जो डेफिनेशंस हमारी रह गई है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे पास भेजिए। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में हम उनको आपको बताएंगे। देखिए हमारे जो चैनल का नाम है अल्फा सर नाम है, और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर है, यदि उनको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो वो अल्फा सर
YouTube चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले उसी को मिलेगा। थैंक यू।